greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिनंदन करता हूं। And it's my great privilege to be here with the living word of God. परमेश्वर के जीवित वचन के साथ ये मेरा सौभाग्य है यहां पर होना। And I love to serve Jesus. मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर की सेवा करना। Because he loves me before when I love him. क्योंकि उन्होंने मेरे प्यार करने से पहले ही मुझे प्रेम कर लिया था। I never seen anybody in this world that who all are doesn't know me the loving me. मैंने इस संसार में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नहीं जानता है फिर भी मुझसे प्रेम करता है। But I found only one person, his name is Jesus. और मैंने सिर्फ एक ही इंसान को पाया, वो है यीशु। Hallelujah. Hallelujah. And I never knew his heart full of me. और मैं नहीं जानता था कि उसका हृदय मेरे से भरा हुआ है। He always thinking about me. वो हर समय मेरे बारे में सोच रहे हैं। He was falling love with me. वो मेरे पीछे प्रेम को लेके आ रहे हैं। He was mad about me. वो मेरे लिए पागल थे। Hallelujah. Hallelujah. Jesus loves you so much. यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। That's a great thing that you can ever get from this world. ये बहुत ही अद्भुत चीज है जो आप इस संसार में प्राप्त कर सकते हैं। How many people know Jesus loves me? आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु हमसे प्रेम करता है? Hallelujah. Some are not much happy. कुछ लोग ज्यादा खुश नहीं है। Because they are getting enough love from somebody. क्योंकि वो शायद किसी और से ज्यादा प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। But let me tell you one thing. पर मुझे एक बात बोलने दें। It has certain limits. उस प्रेम की कुछ सीमाएं हैं। The love of Jesus doesn't stop. ओ प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो कभी भी खत्म नहीं होता। Because that is unfailing love. क्योंकि वो कभी भी गिरने वाला या ना खत्म होने वाला प्रेम है। Hallelujah. Hallelujah. And I greet you, Pastor Anil Kochar. मैं पास्टर अनिल कोचर का भी अभिनंदन करता हूं। And I thank you for the glorious Living Lord Ministries. मैं ये glorious महिमावान जीवन परमेश्वर के जीवन की सेवकाई का भी धन्यवाद करता हूं। And I give thank you Andy, Lakshmi Andy and Amitesh. और मैं अमितेश का और आंटी लक्ष्मी का भी धन्यवाद करता हूं। And we had a good time in Punjab Pathankot. और परमेश्वर के दास पास्टर अनिल कोचर के साथ हमारा एक अद्भुत समय रहा पठानकोट पंजाब में। And he came to our villages. वो हमारे गांव में आए। And for the crusade. वो एक सेवकाई के लिए आए। And we could see many miracles, signs and wonders by the hand of Pastor Anil Kochar. और हम पास्टर के द्वारा कई अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को वहां पर देखने वाले हो सके। We could see with the naked eyes the blind sees. और हमने देखा कि अपनी आंखों से अंधे देख रहे थे। The deaf began to hear. और जो बहरे थे वो सुन रहे थे। The dumb began to speak. Sorry. The dumb people began to speak. जो गूंगे थे वो बोल रहे थे। And those who cannot walk, they were walking. जो चल नहीं पा रहे थे वो चल रहे थे। And we saw the work of the Holy Spirit वहां पर the hand of that man of God. हमने परमेश्वर के दास के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्यों को देखा वहां पर। I really thank God for his life and ministry. और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। I believe you're so blessed people training under his hand. और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत ही आशीष लोग हैं उनके जो नेतृत्व में चल रहे हैं। Because the God's anointing is with his life. क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन के साथ है। And God chose him from the place where he was. और परमेश्वर ने उनको उस जगह से चुना और यहाँ पर लेकर आए। Now he is established in the kingdom of God wherever he goes. और अभी वह परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहे हैं जहाँ कहीं भी वह जाते हैं। I really thank God for that wonderful man of God. और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस परमेश्वर के दास के लिए। Just clap for him. उनके लिए तो कुछ अपने हाथों को बजाते तालियां बजाएं। Thank you, Pastor Anil Kochar. पर पास्टर का धन्यवाद। Thank you so much. And we are two here. You can see brother Rakesh is with me. और हम दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं। And we are doing the ministry in Punjab. हम पंजाब में एक सेवकाई को कर रहे हैं। And he is also a mighty man of God. और yes, ये भी परमेश्वर के सामर्थी दास हैं। And he preached the gospel well. और हम भी जो कि परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं। And he healed the sick people. और चंगाइयां करते हैं। And he has the anointing of God. और परमेश्वर का अभिषेक भी है। And we are two, three pastors working over there in Punjab, Pathankot. हम तीन चार जो पास्टर लोग हैं वहां पर पठानकोट पंजाब में कार्य कर रहे हैं। One pastor is there. His name is Pastor Joshua John. एक और पास्टर है, उनका नाम जो है जोशुआ जॉन है। He's also a mighty man of God traveling across the nations. वो भी परमेश्वर के सामर्थी दास है जो कि कई जगहों पर जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। Praise the Lord. उनका धन्यवाद। And I really thank God for Amitesh. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ भाई अमितेश के लिए भी that he chose to serve the Jesus. कि उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए चुना। That's so precious. वे बहुत ही बहुमूल्य है। Ever we can get from this world. हम संसार से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। People are crying to God, God use me. और लोग चिल्ला रहे हैं प्रभु से, परमेश्वर से, कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर। There many are calling. यहाँ पर कई लोग हैं जो बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं परमेश्वर से। But some are chosen for God. पर कुछ ही परमेश्वर के लिए चुने so हुए God chose him.
परमेश्वर ने इसे चुना टू डू हिज द वर्क ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य को कर सके एंड व्हेनेवर यू प्रे जस्ट प्रे फॉर हिम दैट गॉड मे ट्रेन हिम in a godly way with the word, living word of God. जब भी आप प्रार्थना करते हैं भाई के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर अपने जीवित वचन के साथ इन्हें और सिखाएं. Hallelujah. Hallelujah. How many people are excited to hear the word of God? कितने लोग खुश हैं और उत्साहित हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. And just close our eyes before the prayer, before the message. आंखों को बंद करेंगे वचन से जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा take away all the thinkings और जो भी आपके दिमाग में सोच समझ है उनको निकाल दें and keep aside you all the worries and anxieties हर एक चिंताओं को एक साइड में रख दीजिए because Jesus is gonna talk to you क्योंकि यीशु मसीह आपसे बात करने जा रहे हैं from his heart उसके हृदय से to your heart आपके हृदय तक that is so precious वो बहुत ही बहुमूल्य है and Lord we pray for this morning परमेश्वर इस सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We ask you Jesus to come and touch the people। मैं यीशु मसीह हम आपसे बोलते हैं आए और यहाँ पर लोगों के हृदयों को छुएं। And we welcome you Holy Spirit। हम आपकी पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। And touch the people of God। और परमेश्वर के लोगों को छुएं। And talk to them Father। और उनसे बात करें। They will never be the same again। वो फिर से वैसे नहीं रहेंगे जैसे हैं। Lord touch their life or change their life forever and ever and ever। उनके जीवन को छुएं और बदल दे सदा सदा के लिए। And they may testify you well Wherever they go, और ताकि वो आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें, and bless all the people, Father. उनको हर एक को आशीष दे प्रभु जी. And we bind all the power of the darkness over here. और जो भी अंधकार की शक्ति है, उन सब को हम बांध देते हैं. Against the word and the preaching and the ministry. और उसे अपने सेवकाई और वचन के विरुद्ध जो भी अंधकार की शक्ति है, उन्हें सब को बांध देते हैं. And we bless your holy name. हम आपके नाम को आशीष देते हैं. We bless your holy name. हम आपके नाम को महिमा देते हैं. We give all the honor and glory to you, Father. हम आपको हर एक आदर महिमा देते हैं पिता. In Jesus' mighty name, we do. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमेन आमेन हालेलुया 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 लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 21 मत्ती सुसमाचार एनीबॉडी कैन रीड 6 6 अध्याय उसका 21वां वचन या हिंदी और व्हाटएवर Matthew chapter 6 verses 21. Mati Sheka 21. Yeah. क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. Hallelujah. 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 Can you read one more time, Pastor? क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. For where your treasure is, there is your heart will be also. And one more word we can read 13 verses 13 chapter 13 Matthew chapter 13 ek aur vachan hum padhenge verse number 44 13 ka mati ka 13 ka 44 13 ka 44 Matthew chapter 13 swarg ka rajya khet mein chupe hue dhan ke samman hai jise kisi manushya ne na paya aur chhipa diya aur मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया हालेलुया 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 एंड जीसस लव पीपल यीशु मसीह लोगों से प्रेम करते हैं एंड दे आल्सो लव जीसस और लोग जो वो भी यीशु से प्रेम करते हैं यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के जीवन का क्या महत्व है ही नेवर ट्रीट एनीबॉडी एज द वे हु दे आर उसने यीशु मसीह ने किसी भी व्यक्ति से ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे वे हैं एंड ही ट्रीट ऑल द पीपल अकॉर्डिंग टू हु ही इज और उसने हर एक से एक समान व्यवहार किया जैसा वह है आमेन आमेन व्हेन ही ज़कायुस जब वो ज़कर्याह से मिला व्हेन ही डीमन पॉसेस्ड पीपल और जब उसने उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों से मिला व्हेन ही सीज ए ब्लाइंड मैन जब वो किसी अंधे व्यक्ति को देखता है व्हेन ही सीज ए प्रोस्टिट्यूट जब वो किसी वेश्या को देखता है and he's never treat anybody according to who they are और वह किसी से भी उनके चरित्र के हिसाब से व्यवहार नहीं करता he था he treat all the people according to who he is लेकिन वो हर एक से अपने ही चरित्र के हिसाब से भी व्यवहार करता था and that is the value of the kingdom of god वही है जो कि यीशु परमेश्वर के राज्य की एक एक बहुमूल्यता है which means he was trying to show about the heart of god क्योंकि इसके द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के हृदय को प्रकट कर रहे थे He loves the people from the bottom of heart
वो वो हर एक लोगों को अपने ही हृदय से प्रेम करते थे. Not by seeing their outer appearance. उनको देखने से वो प्रेम नहीं करते थे. Not by seeing their how much money in their pocket. उनके पैसे को देखकर वो उनसे प्रेम नहीं करते थे. He never loved people according to their flat or car or whatever they have. उनके घर को उनकी धन संपत्ति को देखकर उनसे प्रेम नहीं करते थे. He loves according to the heart of people. वो लोगों के हृदयों को देखकर उनसे प्रेम करते थे. He loves them because they are the image of God. क्योंकि वे उनसे प्रेम करते थे क्योंकि वे परमेश्वर का स्वरूप थे. That's the only reason. यही एक कारण है. Why Jesus loves you? क्यों परमेश्वर यीशु आपसे प्रेम करते हैं? Though you are the greatest sinner in your place. हो सकता है कि आप बहुत ही आप चाहे आप बहुत ही पाप में जीवन अपने जीवन में जी रहे थे. You were the greatest sinner among your family. आप अपने परिवार में बहुत ही पापी थे. You were the greatest sinner among your society. आप बहुत ही पापी थे अपने अपनी सोसाइटी में. Then why Jesus loves you? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया? Did you ask anything? Did you ask any time the question towards Jesus? क्या आपने कभी यीशु मसीह से ऐसा प्रश्न किया? Jesus, why you loves me? क्या आपने कभी यीशु मसीह से ऐसा प्रश्न किया कि आपने मुझसे प्रेम क्यों किया? आपने मुझ में क्या देखा? What you saw the goodness in me? आपने मुझ में क्या अच्छा देखा? What you like me? आपने मुझ में क्या ऐसा देखा जो आपने पसंद किया? Do you like my driving skill? क्या आपने मेरा वाहन चलाने की वो जो एक रीति है उसको पसंद किया? Do you like my bike riding skill? क्या आप मुझे मेरा बाइक चलाना आपको पसंद है? Do you like my job? क्या आपको मेरा कार्य पसंद है? No. Jesus doesn't like anything, whatever you have. प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसी चीज नहीं पसंद करता जो भी आपके पास है. He loves you because you are the image of God. वह आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप परमेश्वर का स्वरूप हैं. Hallelujah. Hallelujah. Nothing more than. उससे बढ़कर कुछ नहीं. Nothing more than. उससे बढ़कर कुछ नहीं. That's so precious. ये बहुत ही बहुमूल्य है. And here the Matthew chapter 6 verses 21 says. यहाँ मत्ती का 6:21 में कहता है. For where your treasure is, there is your heart will be also. क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा. We all like to earn the treasure. हम सबको पसंद है धन को कमाना. Now the second verse saying. और दूसरा जो वचन है. 13 verses, chapter 13 verses 44 says. 13 अध्याय का उसका 44वां वचन बोलता है. And Jesus was telling to his disciples and also the people of God. यीशु मसीह अपने चेलों से और लोगों से भी एक बात बोल रहे हैं. He was talking about the parable. वो एक जो कि पैराबल एक दृष्टांत में बात कर रहे हैं. What is the parable? दृष्टांत क्या है? A parable is the telling about the story and hiding about a truth and telling in a story way. जो दृष्टांत है वो एक कहानी को बताना है लेकिन सच्चाई को छिपाकर कहानी बताना है. दृष्टांत ये है. And there is truth behind every story. That's called a parable. और हर एक कहानी के पीछे एक सच्चाई है वह दृष्टांत कहलाता है. But there is not the real story. पर वो सच्ची कहानी नहीं है. It's hiding a truth. पर वो उस कहानी के पीछे एक सत्य है. Hallelujah. Hallelujah. And what is the truth? Something is the truth is behind the story. और जो भी सत्य है वो उस कहानी के पीछे है. Now Jesus was telling to all the people of God. और ये प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के लोग थे उनसे बोल रहे थे. And he was telling about a man. वो एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं. And one man found a place. और एक व्यक्ति ने एक जगह को देखा. The place was so useless. और वो जो जगह थी बहुत ही व्यर्थ थी. That place doesn't good look. वो जगह जो कि अच्छी दिखने में अच्छी नहीं थी. But he found a treasure in that place. लेकिन उसने उस जगह में एक धन को देखा. He found a treasure. एक धन को देखा. He found a treasure. एक खजाने को देखा. And he came to back to his house. और वो उसको जगह को देखने के बाद वो अपने घर में आया. Then he hide the treasure. और उसने उस खजाने को वहां पे छुपा दिया. Then he came back to his house. और वो अपने घर में आया. And he was telling about the treasure to his wife and sons. और वो उस खजाने के बारे में अपने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को बता रहा है. I was imagining this. मैं इस कहानी को जस्ट सोच रहा था. Maybe he was a rich man. हो सकता है कि वो बहुत ही अमीर व्यक्ति हो. He was a well-known person in their society. हो सकता है अपने जो कि सोसाइटी में बहुत ही एक जाना पहचाना व्यक्ति हो. He will be a wealthiest person in their society. अपने समाज में वो बहुत ही अमीर व्यक्ति हो.
and he came back to his house. वो अपने घर में आया. And he was sharing. He might have sharing with the, his wife and children. हो सकता है वो अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ इस बात को बांट रहा हो. Hey, my wife. हे मेरी पत्नी. I found a place. मैंने एक जगह को देखा है. That place is doesn't good look. वो जगह जो देखी है मैंने वो अच्छी दिखने में अच्छी नहीं है. एक गंदा place है. वो बहुत ही गंदा जगह है. There is nothing to say goodness. वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है. But he was telling again. पर वो दोबारा से एक चीज बोल रहे हैं. I found a treasure. लेकिन मैंने उसमें एक खजाने को भी देखा है. And because of the treasure. वो उस खजाने के कारण. I don't want to leave that place. मैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता. Maybe his wife was telling to him. लेकिन हो सकता है कि उसकी पत्नी उससे बोल रही हो. Hey man. Are you mad? आ क्या तुम पागल हो? And we have good houses. हमारे पास एक अच्छा घर है. We have houses in London and Britain and America. हमारे पास जगह जगह में घर है. And we have house in Mumbai, अंधेरी, wherever. हमारे पास मुंबई में कई जगह पर घर है. Good, good flats. बहुत अच्छे अच्छे घर है. So beautiful flat. बहुत ही अच्छे अच्छे घर है. The design look like a London model. जो कि उनको जो कि बनावट एक बहुत ही आकर्षित रूप से बनाई हुई है. And we have good enough money in our bank. और हमारे बैंक में भी बहुत सारा पैसा पड़ा है. We have Mercedes Benz and BMW. हमारे पास हर एक बड़ी बड़ी गाड़ी है. And next month we are going to buy Rolls Royce. और हम अगले मंथ में जो कि रोल्स रॉयस गाड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. And you told me the last month. और सॉरी यू टोल्ड मी द लास्ट मंथ. पिछले महीने ही तुमने मुझसे बोला नेक्स्ट बर्थडे अगले जन्मदिन पर आई विल बाय अ प्राइवेट जेट फॉर यू. और तुम्हारे लिए एक प्राइवेट जो कि प्लेन खरीदूंगा जहाज खरीदूंगा तुम्हारे लिए. दिस इज द लाइफ वी आर लिविंग. ये एक अच्छा जीवन हम जी रहे हैं. सो व्हाई यू वांट टू बाय द यूज़लेस लैंड. और तुम क्यों उस व्यर्थ जमीन को खरीदना चाहते हो. हालेलुया. हालेलुया. इट्स नॉट आवर स्टैंडर्ड. वो हमारे हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है. इट्स आउट ऑफ आवर स्टैंडर्ड. वो हमारे जो कि स्टैंडर्ड से भी बाहर है. हालेलुया. Hallelujah. If you want to buy the place or land, अगर तुम उस जगह को और उसको खरीदना चाहते हो, buy the useless land, no problem. आप उसे व्यर्थ जमीन को खरीद सकते हो. To land our aircraft. हमारे जहाज को वहाँ पर रखने के लिए. Because we cannot build the buildings over there. क्योंकि वहाँ पर हम किसी इमारत को खड़ा नहीं कर सकते. And because of the parking the aircraft. और उस जहाज को लगाने के लिए. You go and buy the land just like the Nalasupara or. और उस जहाज को हमारा जो जहाज हम लेने जा रहे हैं उसको वहाँ पर रखने के लिए उस जगह को आप ले सकते हैं. Because here also we can see the useless land. क्योंकि यहाँ पर भी हम कई जगह कुछ जगह देख सकते हैं जो व्यर्थ पड़ी है. Hallelujah. Hallelujah. And that wife was telling to him. और उसकी पत्नी जो उस व्यक्ति से बोल रही थी. Now this man. अभी ये व्यक्ति. And this man knew the value of the treasure. और लेकिन ये व्यक्ति उस धन के मूल्य को जानता है. And he was telling him again and again. और बार बार अपनी पत्नी से बोल रहा है. My honey, hey, मेरी प्रिय. Do you know the price of the treasure? क्या तुम उस धन की उस खजाने के मूल्य को जानती हो? You cannot imagine the treasure, the price of the treasure. आप उस खजाने के मूल्य को नहीं सोच भी नहीं सकती. If we sell our all the wealth, अगर हम अपनी सारी धन संपत्ति को भी बेच दें, even we cannot compare with the treasure. हम वो भी अपनी धन संपत्ति उसके साथ उसकी तुलना के साथ नहीं कर सकते. The treasure is so priceful. वो जो खजाना है वो बहुत ही बहुमूल्य है. That is so precious. वो बहुत ही बहुमूल्य है. And he was telling it again and again. वो बार बार अपनी पत्नी से बोल रहा है. Just like a mad. वो एक पागल की तरह बोल रहा है. And then at last the wife was the fed up with his talking. और बाद में जो कि उसकी पत्नी उसकी बुला बोल बार बार बोलने से बहुत ही चिंता हो गई. उसने बोल दिया ओके ठीक है. At last all their family. और बाद में सारा परिवार मान गया. They came to a conclusion. उन्होंने लास्ट में एक बात पर आए. Yes, we are gonna sell everything whatever we have. अगर हम ये सब कुछ बेचने जा रहे हैं जो कुछ भी हमारे पास है. Because of you, man. हम सिर्फ तुम्हारे लिए जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ बेचने जा रहे हैं. Because you are so mad with the treasure. क्योंकि आप उस खजाने के लिए बहुत ही पागल हो चुके हो. Which is in the useless land. जो कि एक व्यर्थ जमीन में है. Which is in the dirty land. जो कि एक गंदी जमीन में है. So you are so mad. तुम बहुत ही पागल हो. So you do whatever you want to do. तुम करो जो कुछ भी तुम करना चाहते हो. And this man went. और ये व्यक्ति गया. He found some people. उसने कुछ लोगों को देखा पाया. And those who can buy the Rolls Royces and Benz and Mercedes. उसने बड़े-बड़े लोगों को देखा जो कि बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीद सकते थे. He sold all the cars. उसने अपनी सारी ही गाड़ियों को बेच दिया. He sold all the buildings. उसने अपने घर को अपनी इमारत को बेच दिया. He sold all the houses and flats. और उसने अपना जो भी घर था जो भी उसके फ्लैट और घर थे वो सब कुछ उसने बेच Then दिया. Then he came to his own house. अब वो अपने घर में आया. Just only one house left. अब सिर्फ एक ही घर है उसके पास. And he went to the passbook of the
bank balance. और वो बैंक में गया. And he saw the bank balance. और उसने अपने बैंक बैलेंस को देखा. It was a huge amount. वहाँ पर बहुत सारा पैसा था. And he went bank and he withdrew all the money. उसने बैंक में से सारा पैसा निकाल लिया. Then he went to his living room. वो अपने घर में गया. He saw the nice boot and suit and everything. और उसने देखा उसके पास पहनने को बहुत कुछ अच्छा अच्छा पड़ा है. He sold all the suit and boot. और जो भी उसके पास जूते थे, जो भी कपड़े थे, उसने सब कुछ बेच दिया. He sold his watch. उसने अपनी घड़ी को भी बेच दिया. It was golden covering. वो जो कि सोने की घड़ी थी. It was lakhs of rupees. वो काफी लाखों की थी. And he went to his kitchen. वो अपने रसोई घर में गया. He sold everything in the kitchen. उसने किचन से भी, अपने रसोई घर से भी सब कुछ बेच दिया. Somehow he want to buy that useless land. और किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से वो उस व्यर्थ भूमि को खरीदना चाहता है. Now this man and his wife and children, they were standing in the roadside. अब वो जो कि उसका परिवार पूरा घराना एक सड़क पर आ गया. With a huge money. उसके पास अभी बहुत सारा पैसा है. Standing with a huge money. वो एक सड़क पर बहुत ही. They don't know where to go and stay. वो सड़क पर एक बहुत ही ज्यादा पैसे के साथ खड़े. उनके पास कोई रास्ता नहीं कहाँ पर कहीं पे भी जाने का. They don't have even a small chopda. और उनके पास that what we will say that tarpa. एक जो उनके पास कोई झोपड़ी भी नहीं है छोटी सी. That also they don't have. उनके पास वह भी नहीं है. Only he has his money. पर उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है. अभी amount of the money. बहुत ही सारा पैसा पड़ा है. He went to that owner. अब वो उस जो व्यर्थ जमीन के मालिक के पास गया. And he was giving this all the money. और वे सब को, सब पैसा उस व्यर्थ जमीन के मालिक को दे रहा है. Before somebody comes to before him. उसके जाने से पहले कोई ना जाए, इसलिए वह जाकर सारा पैसा उस मालिक को दे रहा है. And he said to that owner. और उसने उस व्यर्थ जमीन के मालिक, hey owner, मालिक को बोला, hey मालिक, this land. मुझे ये जमीन चाहिए. I need this useless land. मुझे ये व्यर्थ जमीन चाहिए. Maybe he would have asked this question. ओ, हो सकता है कि उस मालिक ने उससे बोला होगा, hey rich man. Hey अमीर व्यक्ति. Hey millionaire. Hey करोड़पति. Hey billionaire and trillionaire. ओ, hey अरबपति और hey पैसों, बड़े बड़े पैसों वाले. Why you want to buy this land? आप क्यों इस जमीन को खरीदना चाहते हो? No, I have found a treasure in this land. ओ, नहीं, मैंने इस जमीन में एक खजाने को पाया है. And he was so mad about this treasure. और ये इस खजाने के लिए बहुत ही पागल था. And he received all the money. और इसने हर सब कुछ पैसा प्राप्त कर लिया. And he could receive that land. और उसने वो पैसा देकर वो जगह को, जमीन को, व्यर्थ जमीन को खरीद लिया. Praise the Lord. Hallelujah. This rich man. ये अमीर व्यक्ति. With the dirty clothes. वो गंदे कपड़ों के साथ. With the dirty chappal. वो गंदी चप्पल के साथ. Enter into the land. और उस जगह पर गया. With his family. अपने परिवार के साथ. Hallelujah. Hallelujah. Can you imagine that? क्या आप इसको, इस बारे में सोच सकते Then हैं? He was moving to the treasure. और वो उस खजाने के पास जा रहा है. And he found a treasure. और वहाँ पे उसने खजाने को देखा. Jesus was telling this story to the entire the Jewish people. और ये यीशु मसीह इस कहानी के बारे में हर एक Jewish व्यक्ति को बोल रहा था. One man found this treasure. एक व्यक्ति ने एक खजाने को प्राप्त किया. And 2018 years before. 2018 साल पहले. That treasure came to this dirty world. वो जो खजाना है इस गंदे समाज में that आया. That treasure is Jesus Christ. वो खजाना जो कि यीशु मसीह है. Is Jesus Christ. वो खजाना जो कि यीशु मसीह है. And he was telling to the all the people of Jews. वो हर एक Jewish व्यक्ति से बोल रहे थे. Do you want me? क्या आप मुझे चाहते हो? Do you want to receive the Messiah? क्या आप इस मसीहा को? I am the treasure. मैं खजाना हूँ. I am the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ. I am the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ. Do you want to have the eternal life? क्या आप एक अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो? Believe in me. मुझ पर विश्वास करें. I am the treasure of this whole world. मैं इस संसार का एक खजाना हूँ. Somebody shout and say hallelujah. Hallelujah चिल्लाए. Hallelujah. There are many people. यहाँ पर कई लोग हैं. Pharisees and Sadducees. वहाँ पर कई लोग थे, फरीसी और सदूसी. And they were telling to the Jesus. वो यीशु से बोल रहे थे. Hey Jesus. Hey यीशु. We don't want you. हम तुझे नहीं चाहते. But there are some people. पर यहाँ पर कुछ लोग थे. They were doing the prostitute. वो जो कि वेश्याओं के काम कर रहे थे. Sinners. वो बहुत ही पापी थे. They were just like the life of Zacchaeus. वो जकैया के जीवन की तरह थे. They were the fishers of men, fishermen. वहाँ पर कुछ लोग जो कि मछलियों का कार्य करने वाले थे. They were chopra people. They were chopra people. वो जो कि झोंपड़ियों में रहने वाले लोग थे. They don't have anything to say big. और उनके पास कुछ भी नहीं था उनके पास बेचने के लिए. But that people came to Jesus. पर वो लोग यीशु के पास आए. And they were telling to Jesus. पर वे यीशु से बोल रहे हैं. Jesus, we believe you.
यीशु हम आप पर विश्वास करते हैं हमने आपको स्वीकार किया Because you are the son of God. क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं We believe you are the Messiah. हम क्योंकि आप मसीहा हैं हम आप पर विश्वास करते हैं We believe you are the treasure of the kingdom of God. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के राज्य का धन है खजाना है Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you are carrying the treasure. आप जो कि एक खजाने को लेकर चल रहे हैं. Maybe you don't have good wealth. हो सकता है कि आपके पास अच्छा धन ना हो. Maybe you don't have good flat. आपके पास अच्छा एक अच्छा घर ना हो. Maybe you don't have the Rolls Royce. हो सकता है कि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां But let me tell you, my beloved, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो You has the real treasure that is the kingdom of God. आपके पास एक सही खजाना है वो है परमेश्वर का राज्य That treasure name is Jesus. वो खजाने का नाम है यीशु बोलो जीसस यीशु We love you. बोले यीशु हम करते हैं यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं Hallelujah. What the Jewish people did? आपको पता है Jewish लोगों ने क्या किया? They came to forward. वो आगे आए. Three and a half years. वो साढ़े तीन साल. Jesus was telling this truth again and again and again. और यीशु मसीह सच्चाई को बार बार. I am the treasure. मैं खजाना हूँ. Just to believe in me. मुझ पर विश्वास करें. He never said to anyone, just understand me. उसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे समझे. Pharisees and Sadducees, they were telling, just understand me. वो फरूसी और सदूसी बोल रहे थे कि मुझे समझे. Jesus was telling, just believe in me. लेकिन यीशु मसीह बोलते थे कि मुझ पर विश्वास करें. You will have the eternal life. आप अनंत जीवन को पाएंगे. You will not perish. आप जो कि आपका अंत नहीं होगा. Three and a half years. साढ़े तीन साल. He was telling like a mad. वो एक पागल व्यक्ति की तरह बोल रहे थे. He was so mad. वो बहुत ही पागल थे. You know why he was so mad? आप जानते हैं कि वो क्यों पागल थे? You know why he was so mad? आप जानते हैं कि वो क्यों इतने पागल थे? Because Pharisees are the image of God. क्योंकि यह परमेश्वर का स्वरूप है. Sadducees are the image of God. वो फरीसी जो है परमेश्वर का स्वरूप है. Hallelujah. And last the Jewish people said. और आखिरी में उन Jewish लोगों ने कहा Look Jesus, यीशु मसीह देखें We don't want you. हम आपको नहीं We don't want this treasure. Sorry. We don't want this treasure. हम इस खजाने को नहीं चाहते. We are waiting for the Messiah. हम जो कि मसीहा का इंतजार कर रहे हैं. How the Messiah come down. अब जो कि मसीहा आएगा. The Bible says. वचन कहता है. Galatians chapter 4 verses 4 says. गलातियों का 4:4 में कहता है. When the time has fully come. जब जो कि समय पूरी रीति से आ जाएगा. The son of man came to the mother's womb, the woman's womb. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ And he born in a little town of Bethlehem. वो जो कि एक छोटे से बेथलहम में पैदा हुआ The people cannot imagine such a king is born and brought up in a such a small place. लोग ऐसा नहीं सोच सकते थे कि एक बड़ा राजा एक छोटी सी जगह पर पैदा होगा Because they cannot agree with that. और वो इस चीज के साथ सहमत नहीं हो रहे थे Was something else. उनके जो की सोच ना उनकी सोच बड़ी थी But this was the God's plan. पर ये जो की परमेश्वर का एक योजना थी And they, last they said, और आखिर में उन्होंने कहा hey Jesus, hey Ishu, we are going to crucify you. हम आपको सूली पर नहीं चढ़ाना चाहते हम आपको सूली पर चढ़ाना चाहते हैं Not need this treasure. हमें ये खजाना नहीं चाहिए We don't want this treasure. हमें ये खजाना नहीं चाहिए But there are some people, like you and me. और वहाँ पर कुछ लोग थे आपकी और मेरी तरह Their name is Peter and John and Mary and Martha. उनका नाम जो की पतरस यूहन्ना और मेरी मार्था थी They believed Jesus. उन्होंने यीशु पर विश्वास They were crying like anything. वो जो की रो रहे थे बहुत ही रो रहे थे यीशु के लिए World said, और इस संसार ने कहा And we are going to crucify you. और इस संसार ने कहा कि हम तुम्हें जो कि क्रूस पर चढ़ाने जा रहे हैं We are going to crucify you. हम आपको सूली पर चढ़ाने जा रहे And हैं they did that. और उन्होंने वह किया Do you know one thing? आप क्या एक बात को जानते And हैं one man और एक व्यक्ति was with the father. और एक व्यक्ति जो कि पिता के साथ था With the whole wealth and standard. एक व्यक्ति जो पिता के साथ था उसके पास सब कुछ था जो This पिता का है Jesus is living in a such a standard. और यीशु मसीह जो कि अपने पिता के साथ एक अलग ही स्तर पे था And he came down वह नीचे आया With a natural man. वो एक मनुष्य की तरह And he found a dirty place called world. और उसने मनुष्य की तरह इस संसार में आया और इस संसार में एक गंदे स्थान को देखा And though the world was so dirty, और
यद्यपि ये संसार बहुत ही गंदा था, फ्रॉम दिस डर्टी वर्ल्ड ही फाउंड अ ट्रेजर, और इस गंदे संसार से उसने एक खजाने को पाया। जीसस फाउंड अ ट्रेजर फ्रॉम दिस डर्टी वर्ल्ड, यीशु मसीह ने एक खजाना इस संसार में पाया। I already told you that Jesus is the treasure of the kingdom of God. मैंने पहले ही बोला कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का खजाना है। Now you are going to see what is the real treasure of the kingdom of God. लेकिन अभी आप देखेंगे कि सच्चा खजाना, सही खजाना क्या है परमेश्वर के राज्य के लिए। It is through the Jesus Christ. वो यीशु मसीह के द्वारा है। And Jesus was through, seeing from the heaven. और यीशु मसीह जो कि स्वर्ग से नीचे आए, and he saw the place nalla supara, और उसने एक नल्ला सिपारा जगह को देखा। The place is so dirty. ये जगह बहुत ही गंदी थी। People are doing sin. और लोग जो कि बहुत ही पाप कर रहे थे। They were doing righteous in their own eyes. और वो जो कि अपने ही नजरों में अधर्म धर्म के काम कर रहे थे। And though he could saw a treasure, precious treasure. और फिर भी यीशु मसीह यहाँ पर एक खजाने को देख पाया। And he was telling to his dad, father. और वो अपने पिता से बोल रहा था, पिता, father, just allow me. हे पिता, मुझे आज्ञा दे। I want to go down to nalla supara. मैं उस नल्ला सुपारा में नीचे जाना चाहता हूँ। I have found a treasure. मैंने वहाँ पर एक खजाने को देखा। Do you want to know what is the treasure? परमेश्वर ने कहा, Let us go and make the man according to our image. परमेश्वर ने कहा कि हम जाएंगे और अपने ही स्वरूप में इंसान को बनाएंगे। And he made the human according to his own image. और उसने एक मनुष्य को बनाया अपने ही चरित्र में। And he breathed. और उसके अंदर श्वास डाला। They began to living soul. ताकि उसके अंदर जीवन आ सके। And because of the sin of Adam. और पर उसे आदम के पाप के कारण। That entered the humanity, went to the sinful nature. और पूरी ही जो कि मानवता की मानवता थी पाप के नीचे आ गई। But the Galatians chapter 4 verses 4 says. पर गलातियों का चार चार कहता है, And the time has fully come. जब परंतु समय पूरा हुआ, And Jesus came down again. तो परमेश्वर का पुत्र भेजा गया। This dirty world. इस गंदे समाज में। He was so mad about the treasure. वो बहुत ही पागल था उस खजाने के लिए। Because you are the image of God. क्योंकि आप परमेश्वर का स्वरूप है। Though you are the sinful nature. यद्यपि आप पाप में थे। Though you are sinning against the God. यद्यपि आप परमेश्वर के विरुद्ध में थे। He came down. वो नीचे आया। You know why? आप जानते हैं क्यों? You are the image of God. क्योंकि आप परमेश्वर का स्वरूप है। You are the image of God. क्योंकि आप परमेश्वर का स्वरूप है। How many are happy for that? आप में से कितने लोग खुश हैं इस चीज को? Somebody shout and say hallelujah. Oh, hallelujah चिल्लाए। Hallelujah. Oh. And this Jesus. और ये यीशु। He was full of you. और यीशु मसीह आपसे पूरी रीति से भरे हुए थे। He's full of you. उसका हृदय आपसे भरा हुआ था। He was in the heaven. वो स्वर्ग में थे। While they were making the Adam. और जब वो आदम को रच रहे, Adam together, Father, Son, and the Holy Spirit. जब वे एक साथ मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आदम को बना रहे थे, after Jesus went back to heaven, और यीशु मसीह फिर से जो कि स्वर्ग में चले गए, then he was looking down, अब वे नीचे देख रहे हैं, oh, Adam was doing sin, वो आदम जो कि पाप कर रहा है, and all the humanity went to the sinful nature, और जो कि आदम के पाप के कारण सारी मानवता पाप में आ गई, and up to that he was waiting for the time, और उस समय के बाद यीशु मसीह समय का इंतजार कर रहे थे। He was like somebody is going to start the race. और ये यीशु मसीह इस प्रकार से थे कि जैसे कोई एक रेस को शुरू करने जा रहा है। How the people will going for the race. आप लोगों ने देखा होगा कैसे जब लोग रेस शुरू करते कैसे लोग तैयार रहते। 2018 years before. 2018 साल पहले। Jesus was standing like this in the heaven. और यीशु मसीह इस प्रकार से स्वर्ग में थे। To restore the image of God. ताकि वो उस परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर सके। To restore you back. ताकि आपको वापिस लेके आ सके। You know why? आपको पता है क्यों? Because you are the image of God. क्योंकि आप परमेश्वर का स्वरूप है। You are the treasure of the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य का खजाना है। People may say you. लोग शायद आपको बोल सकते हैं। Nothing to say goodness in your life. आप में कुछ भी अच्छा नहीं है देखने में। There is nothing to say the goodness in your family. आप में कुछ आपके परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं है। But God saw the goodness in your life. लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अच्छा देखा। Nothing that was the image of God. वो कुछ और नहीं परमेश्वर का स्वरूप। Hallelujah. 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 Now our message is going to start.
अब हमारा जो कि वचन, जो कि वचन शुरू होने जा रहा है. हालेलुया, हालेलुया. हाउ मेनी आर हैप्पी फॉर दिस? आप में से कितने लोग इस बात के लिए खुश हैं? आई डिडंट प्रीच इट. मैंने अभी तक जो कि प्रचार नहीं किया. I'm gonna start my message. मैंने अपने जो कि वचन को अभी तक शुरू नहीं किया. Are you happy for that? क्या आप इसके लिए खुश हैं? Are you happy for that? क्या आप इसके लिए खुश हैं? And the Bible says. वचन कहता है. Matthew chapter 6 verse 21 says. मत्ती शे का 21 पर कहता है. And where there is treasure. जहां पर तेरा धन है. And there is your heart. वहां पर ही तेरा मन लगा रहेगा. What is the treasure of God? What is the treasure of God? परमेश्वर का धन क्या है? Now we can you know the treasure is Jesus Christ. हम समझ में आया हमें कि जो कि खजाना है यीशु मसीह है. Now the through the Jesus Christ we are the treasure of the kingdom of God. हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य का हम because we are carrying the Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं. And the epistle chapter no need to take. Ephesians chapter says. Ephesians का एक अध्याय कहता है. You are in Jesus Christ. आप यीशु मसीह में हैं. And Jesus is inside of you. और यीशु भी आपके अंदर है, आपके बीच में है. Hallelujah. Hallelujah. Which means you are the treasure of God. इसका मतलब कि आप परमेश्वर का खजाना हैं. And Jesus is the treasure of God. यीशु मसीह परमेश्वर का खजाना है. You are in the treasure. आप जो कि उस खजाने के अंदर हैं. And the treasure is inside of you. वो खजाना भी आपके अंदर है. Hallelujah. वो Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, और वचन कहता है, where there is treasure, जहां कहीं आपका धन है, there is your heart, वहां पर आपका मन है. If you have 1 lakh rupee, अगर आपके पास 1 lakh rupiya है, if you are keeping in that room, अगर आप उस कमरे में रखेंगे उस 1 lakh rupiye को, I don't think so you will listen nicely my message. मैं सोचता हूं कि आप मेरे वचन को अच्छे से नहीं सुनेंगे. You will always think after that money. आप हर समय उस 1 lakh rupiya जो उस कमरे में रखा उसके बारे में सोचेंगे. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Because if you go for the work one day, क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए किसी कार्य के लिए जाएंगे, you may get 500 rupees. हो सकता है कि आप 500 रुपया प्राप्त हो जाए, or 1000 rupees. और हो सकता है 1000 रुपया प्राप्त हो जाए. See now 1 lakh rupees with you. अभी यहाँ पर एक लाख रुपया है आपके साथ. Because if you want to get the 1 lakh rupee, क्योंकि अगर आपको 1 lakh rupiya चाहिए, how many days you have to spend? उस 1 lakh rupiya को प्राप्त करने के लिए आपको कितने दिन काम करना पड़ेगा? How much time you have to spend? कितना समय आपको उस काम करना पड़ेगा? Amen. Amen. And during this time, अब इस समय के अनुसार, you may get sick. और हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं. You may need the money for the hospital. हो सकता है कि आपको बीमार पड़ जाए, आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे की जरूरत. You may need this money for paying your children's fees. और जो आप पैसा कमा रहे हो सकते हैं कि उसके उससे आपको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी हो. So the money will go. और जो पैसा आप कमा रहे हो शायद हो सकता है ऐसे कामों में चला जाए. Now somebody is saving the 1 lakh rupee. अब कोई जो कि 1 lakh rupiye को बचा के रख रहा है. By seeing your faces, I can understand the 1 lakh rupees is nothing for you. और मैं आपके चेहरे को देख के समझ सकता हूँ कि 1 lakh rupiya आपके लिए कुछ भी नहीं. Okay, 10 crore rupees. 10 crore rupees, ठीक है. Now smiling. अभी अभी जो कि हंसी आ रही है, स्माइल आ रही है. It's like a lottery ticket. हो सकता है ये एक टिकट की तरह है, खजाने की तरह. Okay, 10 crore rupees. वो 10 crore rupees है. Your heart is in that cupboard. आपका जो कि हृदय उस अलमारी में है. Wherever you go. जहां कहीं भी आप जाएंगे, Maybe you will take a selfie with the cupboard. हो सकता है कि आप उस अलमीरे के साथ एक पिक्चर को ले लेंगे, सेल्फी ले लेंगे. Because the money is in that cupboard. क्योंकि उस अलमीरा में 10 crore rupees पड़े हैं. Hallelujah. Hallelujah. So look at this. अब इस बात को देखें. Where there is your treasure, जहां कहीं आपका धन है, there is your heart. वहां पर आपका मन लगा रहेगा. The Bible says. और वचन कहता है, How many people are love the word of God? आप में से कितने लोग वचन को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. And the Bible says, वचन कहता है, there is your treasure, जहां कहीं आपका धन है, there is your heart, वहां पर आपका मन है. And now the Bible says, अब वचन कहता है, you are the treasure of the kingdom of God, आप परमेश्वर के राज्य का खजाना हो, and Jesus is the treasure of God, यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का खजाना है, and you are in Jesus, आप यीशु मसीह में हैं, and Jesus is inside of you, वो यीशु मसीह आपके अंदर है, which means when the God sees you from the heaven, इसका मतलब कि जब परमेश्वर आपको स्वर्ग से देखते हैं, oh the treasure is walking. Oh, खजाना चल रहा है. The treasure is catching the train. Oh, खजाना उसे ट्रेन में चल रहा है. The treasure is walking in the places. Oh, खजाना जो कि जगह-जगह में चल रहा है. Then where is the heart of God? Tell me. आप बताएं कि परमेश्वर का हृदय कहाँ है? Where is the heart of God? आप मुझे बताएं कि परमेश्वर का मन कहाँ है? ये आप
आपके साथ है मेरी बहन. It's with you, brother. वो आपके मेरे साथ है भाई. It's with you, sister. वो आपके साथ है मेरी बहन. When you cry. जब आप रोते हैं. When you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं. When you're having sickness. जब आपके पास बीमारी होती है. When you don't have money. जब आपके पास पैसा नहीं होता. When your sons and daughters, they are doing the sin. जब आपके पुत्र पाप को करते हैं. When they are going away from the Lord. जब आप वो आपके बच्चे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. The same night when you are crying in your room. The same night when you are crying in your room. जब आप अपने कमरे में रोते हैं. You are the treasure of God. आप परमेश्वर का खजाना हैं. Yet you are the treasure of God. ओह, जब भी आप परमेश्वर का खजाना हैं. And because of that reason. उसी कारण से. The God's heart is always with you. उसी कारण से परमेश्वर का मन हर समय आप पर लगा रहता है. Hallelujah. Hallelujah. Look at the Jesus. यीशु मसीह को देखें. He was on the Calvary. वो जो कि सूली पे था. He was getting all the beat from the people. वो लोगों से हर प्रकार की मार को प्राप्त कर रहा था. People came with the coins. लोग जो कि जो लोग सिक्कों के साथ उसके पास. They were plucking out the hair. उनकी दाढ़ी के बालों को नोच रहे थे. Blood was shoulder. वो लहू उनसे बह रहा था. They were beating up him. वो यीशु मसीह को मार रहे थे. They were nailing on the cross. उन पर उनके किलों से मार उठा मार रहे थे. Jesus said. यीशु मसीह ने कहा. God. हे प्रभु. Forgive them. उनको क्षमा करे पिता. They don't know what they are doing. वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं. And maybe Peter was thinking. और हो सकता है पतरस सोच रहा हो. John was beside the cross. और यूहन्ना जो कि क्रूस के साथ था. His mother Mary was in the cross. उसकी माता वो भी क्रूस के साथ थी. They may think. वो हो सकता है कि वो सोच रहे हो. Oh God. हो पिता. Why you forsake Jesus? वो आपने क्यों इस यीशु को भूल गए? You don't know he's crying. आप नहीं सुन देख रहे कि वो रो रहा है? Are you not seeing that he's crying? आप नहीं देख रहे कि वह रो रहा है? But in the heart of God. वो परमेश्वर के हृदय को दबा रहे हैं. In the heart of God. वो परमेश्वर के हृदय को दबा रहे हैं. The heart was with Jesus. लेकिन जो परमेश्वर का हृदय जो यीशु मसीह के साथ था. The heart was in the Golgotha. वो जो कि परमेश्वर का हृदय उधर था. Where is the heart of God? परमेश्वर का हृदय कहाँ है? It was on the Calvary. वो उस क्रूस पर था. Because his son is getting beaten up. His son is getting beaten up. क्योंकि उसका पुत्र जो कि मार को खा रहा था. His son is dying. उसका पुत्र मर रहा था. His son is crying. उसका पुत्र रो रहा था. His son is the treasure of the kingdom of God. उसका सन जो परमेश्वर के राज्य का खजाना था. Hallelujah. 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 When the son was crying. जब उसका पुत्र रो रहा था. And God was silent. परमेश्वर जो कि बहुत चुपचाप था, शांत था. Isaiah chapter 53 verses 10 says. यशाया का 53 का. Can you read for me in Hindi में? Isaiah 53:10. 10. Yes. यशाया 53 का 10. It's look like God is not aware about Jesus. यहाँ पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह के बारे में ध्यान नहीं दे रहे थे. And he turned the face from the life of Jesus. यहाँ पर देख ऐसा यहाँ पे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपने चेहरे को यीशु मसीह से मोड़ लिया हो. And it says, तो भी यहोवा को. And God loved to crush his son. यहाँ पर ऐसे प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुचल दिया. Amen. Hallelujah. Listen me carefully. Can I read? Listen me carefully. मुझे ध्यान से सुने. His son is the treasure of the kingdom of God. उसका पुत्र जो कि परमेश्वर के राज्य का खजाना है. Now the same God. अब वही परमेश्वर. Now the loving Father. वो जो परमेश्वर अपने पुत्र से प्रेम करता है. And decided to crush this treasure. उसने एक निर्णय को लिया कि अपने उस खजाने को कुचल देगा. It's just a trampling on the ground. वो ऐसे कि जैसे जमीन पर कुचल देना. No, why he is doing like this? आपको पता है वह क्यों कर रहा है इस प्रकार से? And he knew one thing. वह एक बात को जानता है. When one treasure crushed on the ground. जब एक खजाने को जमीन पर कुचला जाएगा. Through his blood. उसके लहू के द्वारा. I can get many millions of treasure. उसके लहू के द्वारा मैं बहुत सारे करोड़ों करोड़ों खजाने को प्राप्त करूंगा. That's you and me. वो आप और मैं हैं. Hallelujah. Hallelujah. Why God crushed one treasure? परमेश्वर ने क्यों अपने एक खजाने को कुचल दिया? Because he wanted to fill the kingdom of God with the many treasures. क्योंकि वह परमेश्वर के राज्य को बहुत सारे खजाने के साथ भरना चाहता है. Hallelujah. 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 Look at one cupboard. एक कबर को देखे, एक अलमीरा को देखे. One the figuring is not enough to full that place of cupboard. एक अलमीरा को देखे, एक आपकी अंगूठी उस अलमीरा को नहीं भर सकती. If I have that one bundle of earring,
अगर मेरे पास काफी ढेर सारी उस अंगूठी होगी, the cupboard can fill, वो जो कि अलमीरा भर सकती है, the same way, उसी प्रकार से, God crushed Jesus, उसी प्रकार से परमेश्वर ने यीशु को कुचल दिया, though his heart was with him, यद्यपि उसका हृदय उसके साथ था, and he was crying, वह रो रहा था, and Jesus knew one thing, यीशु मसीह एक बात को जानते थे, when I crush on the Calvary, जब मैं क्रूस पर कुचला जाऊंगा, the heaven will fill with the treasures, जो कि स्वर्ग है वो खजाने से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। You are the treasure, dear sister. आप मेरी बहन खजाना है। You are the treasure. आप खजाना है। You are the treasure. आप खजाना है। Look at the life of Pastor Anil Kosher. आप अपने पास्टर अनिल कोचर, पास्टर दास, परमेश्वर के दास के जीवन को देखें। While God was giving me this message, परमेश्वर जब परमेश्वर मुझे ये वचन दे रहा है, I don't know God was connecting with this man of God. क्यों पता, मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर इस यहाँ पे इनके जीवन के साथ इसको जोड़ रहा है। He left his life. उसने अपने जीवन को छोड़ दिया। He's left everything, whatever he has. उसने सब कुछ छोड़ दिया जो उसके पास था। And he came to the last part of this Mumbai. और उसने जो कि इस मुंबई का आखिरी भाग है वहाँ पर आ गए। You know why? आपको पता है क्यों? To earn some more treasures of the kingdom of God. ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक और खजाने को प्राप्त कर सके। Hallelujah. Hallelujah. Are you happy for that? क्या आप इसके लिए खुश हैं? Are you happy for that? क्या आपके लिए इसके लिए खुश हैं? This is a ministry. ये एक सेवकाई है। This is the life. यही है सेवकाई, यही जीवन है। The heart of Jesus. यही यीशु का हृदय है। I just want to pray for you all. मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगा। Now this same Jesus. अब यही यीशु is gonna touch you. वह आपके जीवन को छूने जा रहे हैं। And those who want the healings. जो चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं। You can just pray for Jesus. आप यीशु से प्रार्थना करें। I'm not a healer. मैं जो कि चंगाई देने वाला नहीं। I don't know how to heal. मुझे नहीं पता कैसे चंगाई देनी है। But Jesus knows. लेकिन यीशु मसीह जानते हैं। He doesn't have the limits. उसके पास कोई, यीशु मसीह के पास कोई सीमाएं नहीं हैं। All are the people that we are seeing in this earth. हम जितने भी लोगों को यहाँ पर इस संसार में देखते हैं, उन सब के पास एक सीमा है। But Jesus doesn't have the limits. लेकिन यीशु मसीह के पास कोई भी सीमा नहीं है। Tonight, today morning, God is gonna touch you all. आज सुबह के समय यीशु परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। See, you will not allow the 1,000 rupees or treasure putting into the fire. आप 1,000 rupees को आग में डालने नहीं देंगे। You don't want to get the spoil. आप उस 1,000 rupees को नाश नहीं करेंगे। You want to keep in a safe place. आप उस 1,000 rupees को अच्छी जगह पर रखेंगे। So when you have a sickness, जब आपके जीवन में बीमारी होती है, God doesn't want to see his treasure is suffering with a sickness. जब आपके जीवन में बीमारी होती है, परमेश्वर अपने खजाने को ये देखना पसंद नहीं करता कि वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। Which means God doesn't want to spoil his treasure. उसका मतलब कि परमेश्वर अपने खजाने को नाश नहीं करना चाहता। हालेलुया। Without lacking money. आपके पास शायद हो सकता है पैसा ना हो। All the time crying. हर समय रोना। This is your day. ये आपका दिन है। This is your day. ये आपका दिन है। When you encounter with the Jesus. जब आप परमेश्वर के साथ मिलते हैं। When you encounter with the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा के साथ मिलते हैं। And that's what the Jesus said. उसी यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं। Hey Peter and John. हे पत्रस और यूहन्ना। Don't go here and there. यहाँ इधर उधर मत जाओ। I'm gonna put the treasure inside of you. यीशु ने, परमेश्वर ने आपके अंदर ही खजाने को डाल दिया। Called the Holy Spirit. वह खजाना जो कि पवित्र आत्मा है। And the Holy Spirit come inside of them. जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया। And they began to walk like a treasure. उन्होंने एक खजाने की तरह चलना शुरू कर दिया। Amen. 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 And the Peter shadow got the healings. और पत्रस की परछाई के साथ चंगाई हो जाती थी। When the people get the shadow of the Peter. जब लोग पत्रस की छाया या उसकी परछाई को छूते थे, they heal. वे चंगाई को प्राप्त करते थे। That's the importance of the treasure of the kingdom of God. ये जो कि परमेश्वर के राज्य के जो खजाना है, उसकी महत्वता है। Imagine you have a diamond. Imagine you have a diamond. आप सोचे कि आपके पास एक हीरा है। It's from this world. वो उस हीरा उस संसार से है। It has some price. उसका कुछ मूल्य होगा। When you get the shadow of the diamond, जब आप उस हीरे की छाया को प्राप्त करेंगे, will you heal? क्या आप चंगाई को प्राप्त करेंगे? क्या चंगाई को प्राप्त करेंगे? उस हीरे की परछाई जब आपको छुएगी, you didn't understand that. आप इस बात को नहीं समझे। When you get the shadow of a diamond. जब आप उस हीरे की परछाई को प्राप्त करेंगे, विल यू गेट द मनी? क्या आपको वो पैसा देगा? विल यू गेट द हीलिंग्स? क्या आप वो आपको चंगाई देगा? दैट आल्सो ट्रेजर, नो? वो भी एक खजाना है। बट लुक एट द पीटर। पर आप पत्रस को देखें। ए फिशरमैन। एक मछुआरा। स्मेली मैन। एक बदबू देने वाला व्यक्ति। ही डोंट हैव ए गुड ड्रेस। उसके पास एक अच्छे कपड़े नहीं है।
He don't know how to speak. उसको पता नहीं कैसे बोलना है. He don't know English. उसके पास उसे इंग्लिश भाषा में नहीं आती. But when the people get the shadow of Peter, जब लोग उसकी परछाई को प्राप्त करते थे, they will heal. देखो वो चंगाई को प्राप्त कर लेते थे. You know why? आपको पता है क्यों? The treasure is living inside of him. क्योंकि खजाना उसके अंदर था. The treasure called the Holy Spirit. वो खजाना पवित्र आत्मा है. Hallelujah. Hallelujah.